गर्मियों के मौसम में इस तरह से नींबू की शरबत पीने से बहुत ही आराम मिलता है। तो चलिए मैं आज आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से नींबू की शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आप लोग झटपट बनाकर पी सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो नींबू की शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक नींबू ले ली है, देख सकते हैं। अभी नींबू को इस तरह से कट कर लेंगे और इसका जो रस है वो निकाल लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बोल ले ली है, अभी बोल पे नींबू का जो रस है वो निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने जो नींबू का रस है वो निकाल ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बोल ले ली है, बोल पे एक कप सब्जा डाल देंगे। इसको तुलसी के बीज भी कहते हैं, तुकमा भी कहते हैं। इसमें डाल देंगे पानी और पानी डालते ही ये एकदम फूल जाता है। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड पे। और उसके बाद हमने जो नींबू का जो रस निकाल के रखा था ना, इसमें अभी ऐड करेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पे डाल दी है चीनी। तो चीनी मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाल दी है। और चीनी डालने के बाद अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे, ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी मैंने यहाँ पे 2 ग्लास इतना डाल दी है और पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छी तरह से घोल ली है। उसके बाद हमने जो भिगो के रखा था ना सब्जा को, यानी कि तुलसी की बीज को, तो इसको अभी ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। उसके बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, सफ़ेद नमक। और नमक ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे काला नमक। तो काला नमक से इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। तो देख सकते हैं काला नमक डाल दी है और अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। तो चलिए अभी इसको ग्लास पर निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 ग्लास ले ली है। तो ग्लास पर अभी आइस क्यूब डाल देंगे। तो देख सकते हैं मैंने आइस क्यूब डाल दी है और उसके बाद शरबत को डाल देंगे। तो बहुत ही हेल्दी और ठंडा ठंडा शरबत होता है फ्रेंड्स, आप लोग बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी हमारा जो नींबू की शरबत है वो बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी भी है। तो आप लोग भी इस तरह से एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।